नमस्ते। आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में हर एक इंसान के हाथ में एक मोबाइल है और हर एक मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशंस, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब। इन सभी में यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिनके सहारे आप बहुत कुछ पा सकते हो। जी हाँ, यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिसके पॉजिटिव यूज से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, कर सकते हो, पा सकते हो और हेल्दी रह सकते हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप ही सही या गलत का निर्णय कीजिए। तो देखें, नंबर वन, इंस्टेंट नॉलेज। तो अभी हम देखते हैं कि यूट्यूब से हम क्या सीख सकते हैं। देखिए, दुनिया की लगभग सभी तरह की जानकारी आप यूट्यूब से पा सकते हो। किसी भी विषय की जानकारी का वीडियो अगर चाहते हो तो यूट्यूब के सर्च बार में जाके उस विषय रिलेटेड कुछ वर्ड्स लिखिए। अभी एग्जाम्पल के लिए एक विषय सर्च करते हैं। अगर आपको भोजन मंत्र चाहिए तो यहाँ यूट्यूब के सर्च बार में लिखे भोजन मंत्र, तो देखिए कितने सारे रिजल्ट मिल जाते हैं। इन सभी वीडियोस को आप एक बार ऊपर से नज़र मारें कि कौन से वीडियो पे कितने व्यूज़ आए हैं। जिस वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ हो उसे ही हम देखना प्रेफर करते हैं। ये देखिए मेरा वीडियो। और इस सर्च रिजल्ट को आप इस तरह फिल्टर भी कर सकते हो। यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करके सर्च फिल्टर पे क्लिक करिए। फॉर एग्जाम्पल, अपलोड डेट दिस ईयर, ड्यूरेशन लेस देन 4 मिनट्स, क्लिक करने से देखिए आपको ये रिजल्ट मिलेगा। और एक चीज़ ध्यान रखें, जो वीडियो आप देख रहे हो उस चैनल को जरा एक बार देखें कि उनके सब्सक्राइबर्स कितने हैं। मतलब कि हज़ारों में उनके अगर सब्सक्राइबर्स हैं तो उनकी बातों पे यकीन कर सकते हो। ये एक उदाहरण था। वैसे ही कोई भी विषय का ज्ञान अगर आपको चाहिए तो यहाँ सर्च कर सकते हो, जैसे कि कुकिंग रिलेटेड वीडियोज़, हेल्थ संबंधी जानकारी, ड्राइंग पेंटिंग जैसा आर्ट, गेमिंग की जानकारी या टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, साइंस, एजुकेशन वीडियोस, किसी भी क्षेत्र का ज्ञान आपको यहां से मिल सकता है। तो ये हुआ पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट। किसी भी प्रकार का संगीत, म्यूजिक अगर आपको सुनने की इच्छा हुई उसी वक्त आप उस गाने को सर्च करके उसे सुन सकते हो। तीसरा, अगर आपको कोई मूवी देखना हो तो भी आप यूट्यूब पर सर्च करके मूवी देख सकते हो। चौथा, अगर आप कुछ स्टडी कर रहे हो और कहीं उलझे हो तो उस प्रश्न का उत्तर भी आप सर्च करके देख सकते हो, यानी कि ऑनलाइन स्टडी में भी आपको यूट्यूब हेल्प कर सकता है। अब देखिए, आप भी अगर खुद यूट्यूबर्स बन जाए, यानी कि खुद यूट्यूब पे वीडियो बनाओगे तो कितने सारे बेनिफिट होते हैं। देखिए, नंबर वन, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। आपके अंदर कुछ अच्छी बातें हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज है, पर उसे आप बाहर नहीं निकाल पाए तो उसे एक्सप्रेस करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। आपकी क्रिएटिविटी को केवल अच्छा प्लेटफॉर्म ही नहीं देता परंतु और भी बढ़ाने में हेल्प करेगा यूट्यूब। नंबर टू, आप अगर फिल्म इंडस्ट्री में जाकर अपना नाम बनाना चाहते हो तो आज की तारीख में यह इम्पॉसिबल जैसा है, परंतु यूट्यूब आपको यह मौका देता है कि आप अपनी एक अलग पहचान बना सको। आप भी फिल्म एक्टर की तरह फेमस हो जाओ, यानी आप भी सेलिब्रिटी बन सकते हो। नंबर थ्री, आपके हाथ में अगर माइक हो और लोगों की भीड़ के सामने आपको स्पीच देनी हो सकता है कि आपको थोड़ा डर लगे, आत्मविश्वास की कमी महसूस हो, पर जब आप कैमरा के सामने लगातार बोलने की प्रैक्टिस करते हो तब ये कैमरा भी लोगों की भीड़ के जैसा काम करता है। शुरू में आप अच्छे से बोल नहीं सकते लेकिन फिर प्रैक्टिस से सीख जाते हो, तो इस तरह ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में भी मदद करता है यूट्यूब। नंबर फोर, इस तरह कैमरा के सामने लगातार प्रैक्टिस से आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, पर साथ ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होती है। हम अपनी बात को किसी दूसरों को समझाना अच्छी तरह सीख जाएंगे। आप खुद ही जाकर देख लीजिए मेरी एक साल पुरानी वीडियो, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी, और फिर कंपेयर कीजिए आज की इस वीडियो से। कम्युनिकेशन स्किल में इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगा। नंबर फाइव, ये खुद यूट्यूबर बनना आसान बात नहीं है। इससे आपकी धीरज की कसौटी होती है, आपके पेशेंस का एग्जाम होता है। आपकी चैनल को मोनेटाइज करने के लिए आपके पास लास्ट एक साल में 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम पूरा होना चाहिए, जो कि काफ़ी धैर्य सिखाता है। आप अपनी सेल्फ एनालिसिस भी अपने ही वीडियो से और धैर्य से कर सकते हो। नंबर छः, जो है इनकम। आपकी चैनल अगर ग्रो हो जाती है तो काफ़ी तरीके हैं जिनसे आप पैसे कमा सकते हो, जैसे कि आपके वीडियो के ऊपर एड आएगी, एडवर्टाइजमेंट आएगी, उस एड से आप पैसे कमा सकते हो।
दूसरा, आपके कोई प्रोडक्ट है, खुद का बिजनेस है, उसे आप बेच सकते हो, अपनी पब्लिसिटी कर सकते हो, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। तीसरा, एफिलिएट मार्केटिंग, जिससे अमेजन जैसी कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिंक आप शेयर करके उसके सेलिंग में भी कमीशन ले सकते हो। चौथा, स्पॉन्सरशिप, आपकी अगर चैनल बहुत बड़ी है, सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स बहुत ज़्यादा है, तो चांसेस है कि दूसरी कोई कंपनी आपको ऑफर करे उनकी प्रोडक्ट के एडवर्टाइज के लिए, और उनकी प्रोडक्ट्स को अपने वीडियोस के सहारे प्रमोट करके आप रुपये कमा सकते हो। और अब अंत में जान लेते हैं सबसे बड़ा बेनिफिट, वो है हेल्थ बेनिफिट। जी हाँ, YouTube के माध्यम से आप हमारी चैनल पीस विथ योग से जुड़े हो और सभी वीडियोस को रेगुलर देखने के बाद मेरी कही सभी बातें फॉलो करते हो, तो आपको हेल्दी बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो चाहे फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ, आप मेरी चैनल से जुड़ के जरूर हेल्दी बनने वाले ही हो। तो अब किस बात की देरी है, अपनी उंगली से लाल रंग के सब्सक्राइबर बटन को दबाने के बाद बाजू में आने वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे पूरा देखने सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।